अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा जी, मैं हूँ ज़ैनब नुमान। आप लोग अगर मुझे कोई पुराना देखते हो तो आपको पता होगा कि पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आंखों का मेकअप कर करके तुम लोगों को दिखाती थी, हैवी हैवी किस्म के। और वो ज़ैनब नुमान मेरा मेन मेकअप चैनल है, लेकिन ये दूसरा चैनल मैंने बनाया था कि इस पे ना मैं आपके साथ मेकअप, कपड़े, जूता, लत्ता, हर तरह की मेरी आंटी मतलब दुनिया की अलगम बलगम बाकी चीज़ें भी ना इस चैनल पर हम खुल के डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने जनाब एक ना इचरा में शॉप ढूंढी है, वहाँ पर इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त, सस्ते लफ्जों में से लड्डा नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये फैशन शर्ट्स हैं, दुबई बेस्ड हैं, और मतलब इतने का ना कपड़ा नहीं आता आजकल। 400 रुपये में कोई मार्केट में लेने जाओ ना, कोई इतना अच्छा स्टफ़ नहीं देगा, वो तक्के देके दुकान से निकाल लेंगे कि भाजी ओ दरवाज़ा है उसको निकल जाओ। 400 रुपये में इतनी अच्छी कंडीशन, 10x10 मतलब ऑलमोस्ट फिनिशिंग, कोई कहीं से ख़राब नहीं, कहीं से फटा नहीं हुआ, कहीं से कोई दब खड़ब नहीं है, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा है। और अक्सर जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो अपने काम के साथ बड़े ऑनेस्ट होते हैं, वो बड़े ऑनेस्टली काम करते हैं। आप लोग अगर अच्छा जी जानी, तो मुझे इतनी ज़्यादा शर्ट्स पसंद आई थी ना, और मैंने सारी बैगी स्टाइल में ली हैं, क्योंकि जब मैं ज़्यादा स्मार्ट हो गई हूँ ना, ज़्यादा पतली हो गई हूँ, मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करती रहती हूँ। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो ना वेट लॉस पे होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने इंस्टाग्राम पे ना वीडियो लगाई शर्ट्स की, लेकिन उस पर सारी दुनिया को बस ये जानना है कि मैंने वेट कैसे लूज़ किया। तो मैं बहुत जल्दी ना आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह सारा कुछ। आपको पता है मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाती, और मेरे इतने ट्रस्ट करने वाले व्यूवर्स हैं, और मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा हमेशा हमेशा से मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ काम आती है बिल्कुल सच्ची में, मतलब ये नहीं कि कटिया कुटिया चीज़ें मैं अभी रेकमेंड करी जाऊँ, अच्छा जी तरीफ़े करी जाऊँ सामानों पे, जो वाकई सस्ता हो, जुगाड़ू हो, अच्छा हो, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो मेकअप है, चाहे स्किन केयर है, चाहे कपड़ों में बात आ जाती है। तो अभी ये शर्ट्स मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैं सारी शर्ट्स आज लेके बैठ गई हूँ, तुम लोगों को एक एक शर्ट दिखाती भी हूँ, और इवन पहन के भी दिखाऊंगी, और तुम लोग सोच लो कितनी मेहनत लगती है, इसलिए दिखा रही हूँ। कि इस शॉप का लोकेशन भी मैं इसी वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, बिल्कुल मेन पे, मेन फिरोजपुर रोड है इचरा की, जो बिल्कुल मेन है, कोई गली में नहीं जाना, कहीं अंदर बाजार में नहीं जाना है। इस मुझे इसकी लोकेशन भी इतनी अच्छी लगी थी ना, बेबी भाई आए आराम से दरवाज़ा खोलो, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शॉप की लोकेशन भी शेयर करूंगी। तसल्ली से बैठ जाओ, थोड़ा हम चिट चैट करेंगे और साथ साथ शर्ट्स दिखेंगे। और मैं आपको शर्ट्स की ना, ये वाली शर्ट ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, नंबर वन पे, वन बाई वन करके मेरे पास 9 शर्ट्स हैं। बच्चों को सलाम अलैकुम कर लूँ, मेरे बच्चे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चों ने हिप स्टार्ट किया, सारे अंकल नहीं है तो कौन आया, टोपी किधर, कौन दूसरे अंकल आए थे, कोई बात नहीं, दूसरे अंकल भी आ सकते, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरे बच्चे पसीने सारी रात बारिश हुई और गर्मी वैसे की वैसे। चलो कपड़े फौरन उतार दो, रना नहीं कर लो, और कल ये यूनिफॉर्म पहन दिखाएं, एक दिन और चल जाएगा तो यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक है मेरी जी। तो दोनों को प्यार किया ना, तो छोटा फटाफट आ गया कि मुझे भी प्यार होगा। मैंने तीनों बच्चों को बोल दिया कि आप नहा लें जल्दी जल्दी, फिर मामा वीडियो बना लें। अच्छा, चलो जाओ भाई के साथ शलवार कमीज पहना, नहीं नहीं करो। अच्छा जी, तो ऐसे बनती हैं वीडियोस। अच्छा जी, हम वापस आते हैं वीडियो में, मेरा दिमाग अब सारे बच्चों की तरफ चला गया था। वीडियो बनाने बैठते हैं ना, पूरा दिमाग मेंटली फिजिकली इधर अपीयर होना पड़ता है कि हमने, मैंने आपसे क्या बात करनी है। खैर अभी भी मेरे दिमाग में काम ही चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले नंबर वन में बन करके शर्ट्स दिखाऊंगी, और मैं ना साथ जो मैंने ये पहनी है ना उसका क्लिप भी लगा दूंगी यहाँ पर, कि पहन के ये शर्ट कैसे लगती है। ये ओवर साइज है, थोड़ी सी लेंथ में है, ठीक है, और 400 में ये शर्ट, अपने कपड़ा थोड़ा सा वो रेशमी है, फोर सीजन कपड़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा ये स्वेटिंग वाला मौसम ख़त्म होना तब ज़्यादा ईजी कम्फर्टेबल रहेगा। कॉलर बना हुआ है, मतलब बटन लगे हुए सारे इतने अच्छे, और मतलब ये पहन के ना इसको इतने मज़े की लुक आती है ना, इसके साथ डार्क कलर की जो ट्राउज़र्स या पैंट्स या जो बेल बॉटम्स होते हैं वो घर में इजीली मिल जाते हैं। एक बेल बॉटम भी मैंने वहाँ से ख़रीदा था, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था वो ये। अच्छा, उनके पास ना ट्राउज़र्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, तो मुझे उसमें से एक ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सेम ऐसा डिटो मैंने लाइमलाइट से लिया था, 2400 का, 3000 का, और आज से 4 साल पहले की बात है। अफ मैं प्रेग्नेंट थी तो, और मैंने उसका बहुत बड़ा साइज़ ले लिया था, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में मुझे कोई 7-8 मंथ था, और इतना बड़ा मेरा बैली था, तो मैंने वो बहुत बड़ा ट्राउज़र ले लिया था, तो उसको भी मैंने दोबारा फिटिंग करवाई है। अच्छा, वो मैंने कितना महंगा लिया, और ये ना इस तरह इसकी प्लेट्स ले ली, ये डबल है, ये कपड़ा भी डबल है, और ये पहन के इसी वीडियो में ना, जो इस शर्ट के नीचे मैंने यही ट्राउज़र पहना हुआ, पहन के ना बड़ी अच्छी सी लुक आती है, इसके नीचे ना यहाँ पे
वो है इस तरह से ना, जुनट भी है और बेल बॉटम फ्लैपर्स है ना, बड़ा अच्छा। इसका कपड़ा भी देख लो, इसका कलर भी देख लो, मतलब ये काफ़ी शर्ट्स के नीचे मुझे तो एक ही पसंद आया था। आप लोग ना उनकी शॉप पे जारी बात है वैरायटी चेंज होती रहती है, ज़्यादा ज़्यादा कलेक्शन आती रहती है। मतलब बात ये करने बच्चों के साथ साथ मेरी कन्वर्सेशन चलती रहेगी, बात करने का मकसद ये है कि शॉप पे ना अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप लोग मेरी वीडियो स्किप करना। चलो पहले नंबर पे ये शर्ट हो गई। सेकंड नंबर पे ना मुझे ये ना मैट शेड में आजकल बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखो ये कितनी प्यारी है, मतलब ये थोड़ी प्रेस नहीं हुई है, सॉरी, ये लेकिन प्रेस हो जाए ना तो इतनी शाइन आ जाती है इसमें। इसका डीप नेक वी बना हुआ है, इतना भी ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रिटी लगता है। और ये पहन के इसकी जो लुक आती है ना, यहाँ पे साथ साथ मैं एडिट, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना है, लेकिन मैं करूँगी। यहाँ पे साथ में मैं इसके लुक भी दिखाती हूँ, मैं तुम लोग को एक साइड से ये दिखाती हूँ। ये भी ये लॉन्ग है, ये अच्छी खासी लेंथ है, लाइक घुटनों से थोड़ी ऊपर आती है, सामने से इसका एक कट है। और बैगी स्टाइल में शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप अपना वेट लूज़ कर लेते हो, स्लिम स्मार्ट से हो जाते हो, पतले हो जाते हो ना, तो चाहे फिर खुले कपड़े पहनो चाहे पतले कपड़े पहनो, हर चीज़ आप पे सूट कर रही होती है। और ये वैसे हेल्दी बल्कि लोगों पर भी अच्छा लगता है। आप कैसे भी आपकी फिजिक है, लेकिन आपको ना शर्ट को कपड़ों को ज़रा कैरी करना आ जाए ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं कोई आपको बात से ना कर जाए। अच्छा, नेक्स्ट एक और शर्ट है यहाँ पर, ये येलो से मस्टर्ड शेड में है, और इसकी चेक करना, कुर्ता स्टाइल सिला हुआ है, इसकी स्टिचिंग ही चेक करो। मतलब ना फैशन शर्ट्स है ना, यहाँ से जैसे कुर्ते हमारे सिले ये ना बारीक है, इसके नीचे कैमिसोल पहनी जाएगी, सॉरी अभी प्रेस नहीं हुई हुई, मैं इसको भी ना पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके ना चाक मुझे थोड़े से बंद थे, वो मैंने अपनी दर्जन को देकर साइड से थोड़े से खुलवा लिए हैं, क्योंकि वो बंद नीचे तक ना वो फिर ऐसे गुमा गुमा से इंसान को लगता है। तो ये देखो बिल्कुल ये लाइट सी है, कपड़ा देखो कितना अच्छा है, इसका कपड़ा क्या सिली हुई है, उसको पिक हुई हुई है, उसको वो क्या बोलते हैं, अंडर लॉक नहीं, ओवरलॉक बोल रहे हैं। ये छोटी सी बारीक सी पाइपिंग भी लगी हुई है, इसको स्टाइल करके देखूंगी कि ये कैसा लगता है, इसकी विधि यहाँ पे आपको लगा देखा। अच्छा जी। नेक्स्ट शर्ट पे आते हैं हम लोग। ये जनाब आपने देखनी है मेरे पास, ये ना वो आजकल चुनट वाला जो कपड़ा बहुत ही फेमस है, वो तो रेशमी में ना, ये सूती टाइप है, ये रेशमी नहीं है। और इसका गला ऐसे गोल है, इसके आगे जिप है, इसके गले के आगे ये जिप खुलती है, खुलेगी, हाँ जिप खुलती है, जिप खुलने के लिए ही होती है, खुलती है बंद होती है भाई यार, खुल जा मतलब अच्छी। ये देखो कितनी अच्छी मैं आप लोगों को मटेरियल दिखा रही हूँ कि 400 में शायद इतनी अच्छी वाली जिप बनाए, और पाकिस्तानी बेस्ड ये जिप है भी नहीं, पाकिस्तान में कोई इतने अच्छे कपड़े बनाता नहीं, और इतने अगर वो कोई बनाएगा भी ना तो इतने सस्ते नहीं देगा। बहरहाल मैंने और भी शॉप्स की कलेक्शंस आपके साथ शेयर की हैं, लिबर्टी में मैंने माशाल्लाह से 3 शॉप्स ढूंढ चुकी हूँ जहाँ पे बेस्ट चीज़ें हैं। मेरे अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आपको 3-पीस फॉर्मल पाकिस्तानी देसी चाहिए। यार इसको मैं सही करके रख लूँ ज़रा, हर तरह के बंदा कपड़े पहनने में ट्राइयाँ करता रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार आजकल नए नए एक्सपीरियंस करने को। मैंने ना वो वीडियो लगाई तो इंस्टाग्राम पे सारे यही कह रहे थे कि आपको 3-पीस सूट ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ऐसी ड्रेसिंग किया करें। ये वाली लगाई जो शर्ट्स वाली, ये भी फिर सारों को पसंद आ गई, आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वही बात बेबी को बोलो प्लीज़ नो, तो बात वही आ जाती है कि आप कैरी कैसे करते हो। ठीक है, आपने अपने आपको हेल्दी रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, घुस जाओ यार, क्या है यार गुस्सा आ गया मुझे। अच्छा ये भी ना लॉन्ग है, ये साइड से बंद है, लेकिन ये थोड़ी सी ना ए लाइन में थी तो ये इसलिए बुरी नहीं लगती, और ये पहनी हुई बहुत अच्छी बहुत प्यारी लगती है। साइड पे मैं इसका क्लिप दिखा दूँगी आपको, ठीक है, ये इस तरह से है, और इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा ब्लू से कलर में था। कंडीशन देखो कितनी, मतलब ये प्रेस थोड़ी सी नहीं हुई, लेकिन इसकी कंडीशन 10/10 है, 400 में, नॉट बैड है। कोई इतना आपकी कोई गिर गई शर्ट इतना कोई अच्छी दोस्त आपकी होगी कि जो आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ। आजकल तो लोगों का वो हालात है कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़, हम किसी को ना बताएंगे हमने कोई चीज़ कहाँ से ली है। बहुत सारे हर एक की अपनी नेचर होती है, हर एक की डिफरेंट है, कोई बता भी देता है, कोई नहीं भी बताता, लेकिन मेरी ये नेचर होती है कि मैं हमेशा से ना, अल्लाह ताला का भी असूल है कि अगर आप आसानियाँ बांटते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करते हैं, अगर आप लोग प्यार बांटते हो तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में प्यार ज़्यादा करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑनलाइन सोशल मीडिया आप सब की तरफ से जो नंगा था, आपने नहीं नहीं किया अभी तक, छोटा भाई बोलते हैं ना। अच्छा कमरे में जाके दादा बंद करो, हाँ जी। तो बस ना ये अल्लाह ताला का भी बनाया हुआ कानून है, असूल है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बांटोगे अल्लाह ताला आपके लिए वही वफ़र मकदार में कर देंगे। अब हम अगर नफ़रत बांटेंगे तो आपको नफ़रत ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, कौन कौन एग्री करता है। अगर आप हेट बांटोगे, अगर आप लोगों के लिए तंगियाँ पैदा करोगे, तो कसम से यार अल्लाह ताला आपके लिए तंगी पैदा करेंगे। अल्लाह ताला अगर कोई इंसान किसी दूसरे को गलत बात कहता है, बुरी बात बोलता है ना, तो अल्लाह ताला बैठे हुए हैं,
और अगर जिसको कहा जा रहा है वो अगर से चुप रहता है ना तो फरिश्ते उसको जवाब देते हैं। तो हमेशा दिल बड़ा करो, अच्छा सोचो, दूसरों की चीज़ें देखिए, कभी हसद करने की ज़रूरत नहीं है, शुक्र करो, शुक्र का कलमा पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, ठीक है। अगर आप शुक्र करते हो आपकी नेमतें ज़्यादा हो जाती हैं, और ना शुक्री से अल्लाह ताला दी हुई नेमतें भी खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट शर्ट पे आते हैं, साथ साथ ज्ञान चल रहा है। आपने कहना बाजी हमें लेक्चर देने लग जाती हैं, क्योंकि ये लेक्चर हमारी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए, ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए शुक्र के कलमे पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, नेक्स्ट शर्ट ये बहुत पसंद आई है सबको, ये थर्ड वाली ना, ये मैंने वीडियो में पहन के दिखाई थी। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे नहीं करना तो टिकटॉक पे कर लो, ठीक है। ये पर्पल लाइलैक सा शेड है, और आजकल ये इतना इन है, इतना इन है, मतलब पिछले वन मंथ में। आंटी आप प्लीज़ किचन का दरवाज़ा बंद कर लेंगे। तो लाइलिक में मेरे पास ये, मैंने ये शेड भी थोड़ा पर्पल, ये थोड़ा चेंज है, लेकिन पर्पल लाइलिक मेरे पास एक फ्रॉक भी थी, लाइलिक शेड ये वाला ज़्यादा इन है। हम लोग ट्रिप में गए हुए थे नारायण का गाना, तो वहाँ पर मैं और मेरी दोस्त का ये काम था, हमने हर वो उसने भी लाइलिक पहना है, उसने भी लाइलिक शेड पहना, वो देखो उसने भी लाइलिक पहना, मतलब हमने वो गली से लेकर वो बाई गली सॉरी बेबी बच्चे नहा रहे हैं अंदर, तो हर दूसरे बंदे ने लाइलिक शेड पहना हुआ था। ये डबल स्टिच हुई हुई है इसके अंदर, इसकी इतनी अच्छी कैमिसोल, इसका इनर इतना अच्छे कपड़े का ना लगा हुआ है, अंदर ही लगा हुआ है, इसी कलर का, ठीक है। वो भी अंडरलॉक ओवरलॉक हुआ हुआ है, बैगी स्टाइल में है, ये साइड से बंद है, बाजू आगे से इस तरह से चुना ठहले, और ये पहन के ना बड़ी यंग गर्ल वाली फीलिंग आती है, यंग गर्ल वाली फीलिंग, ऐसे मुझे तो परियों वाली फीलिंग आती है, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। अच्छा जी, नेक्स्ट शर्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिस इज द ग्रीन। हम यहाँ पे आज बरी दिखा रहे हैं, जैनब बाजी की लंडे से आई हुई बरी दिखा रहे हैं आपको। कैसा आया, मुझे अच्छा लग रहा है, पहले जमाने में ऐसे बरियाँ दिखाते थे ना, ऐसे सारे लोग आगे बैठे होते थे, मुझे अपने बचपन की वो शादियाँ आज भी याद है, हम गाँव गए थे, हमने वहाँ पे भी ऐसे देखा था, मतलब ना जो टैची में से एक एक निकालते थे पीस, और ये सब की तरफ ना कैमरा पे चल रहा होता था, और जो बड़ी दिखाने वाली ना वो अपने को बड़ा अच्छा फील कर, मैं छोटी सी थी मुझे बड़ा शौक होता था कि यार मैं भी कभी ऐसे खड़े होकर दिखाऊँ, पर ऐसी कभी नौबत नहीं आई यार हमारे घर में, भाइयों की बड़ी दिखाते हैं। मेरे भाई की शादी आने वाली है, मामा को कहूँगी, मामा बरी तो बनानी है, मामा को कहूँगी कि हम ये वाला एक सेगमेंट रखेंगे, ठीक है, कि सबको बिठाएंगे ना बरी दिखाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा ही दिया आया। हाँ, ये प्लान ज़रूर करेंगे, और मैं दिखाऊंगी बरी क्योंकि मैं बड़ी नंद हूँ। इस तरह करके ना एक चीज़ ऐसे टची से उठाई, ऐसे निकाला, सब देख लें, सब ने देख लिया कैमरे, अब इसको नीचे रखा, नीचे से जूते भी आते थे, जूते भी दिखा रहे हैं, ज्वेलरी भी आती थी, ये सेगमेंट ज़रूर हम अपने घर करेंगे। अच्छा, ये शर्ट भी बहुत प्यारी है, हर एक डिफरेंट चॉइस है, मुझे ज़रा कलरफुल सी भी अच्छी लग रही थी, इसमें पर्पल ग्रीन थोड़े ब्राइट चुभने वाले कलर हैं, लेकिन पहनी हुई अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगी थी, मैंने जब वीडियो में भी पहनी दिखाई थी। नेक्स्ट दी बेस्ट प्रिटी, सबकी मोस्ट फेवरेट, ये पर्पल घाघरा, नॉट अ घाघरा, इट्स अ बैगी स्टाइल लूज शर्ट, बहुत खूबसूरत है। मैंने खुद सबसे बड़ी बड़ी शर्ट्स ली थी, क्योंकि शॉप का एक असूल है कि वो चीज़ वापस नहीं करते, वो चेंज नहीं करते, तो मैंने फिर सारी बैगी स्टाइल में ले ली थी, और वो मुझे पहन के भी बड़ी अच्छी लगी, मेरी मामा को भी मेरी ये सारी स्टाइलिंग इतनी अच्छी लगी ना, मैंने उनको पहन के दिखाई, तो उन्होंने कहा बस जैनब आज के बाद तूने ऐसे कपड़े पहने, तुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी ना 400 में है, इतना कपड़ा नहीं कोई 400 का देता, और फुल फ्लैट उसका बैगी स्टाइल है, ठीक है। कंडीशन देखो कितनी अच्छी है, बाजू के आगे ना इस तरह से ये बना हुआ है, चुनट है आगे इसका ये है, और अभी मैंने तुम लोगों को आगे शॉप की वीडियो भी दिखानी है, तो वीडियो तो सल्ली से देखना, मैंने वहाँ पे क्लिप्स बनाए थे, ये इस तरह से है, मतलब ये पहना मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका स्टफ बहुत लाइट वेट है, ये तो गर्मियों में ईजिली पहना जाएगा, और फ्लोरल सा और बड़ी प्रिटी सा, मतलब मज़े का लग रहा था। अच्छा, नेक्स्ट ना मैं आप लोगों को ग्रीन ग्रीन भी बहुत पसंद आ गई थी, इसके ऊपर ना नाम भी लिखे मैंने, ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ है 019207, मतलब कोई ऐसे कोई अजीब सा ही नंबर, पाकिस्तान में तो ऐसे नंबर नहीं चलते। अच्छा, ये शर्ट देखो, इस पर ना हल्के से स्टोन्स का काम भी है, स्टोन कोई एक भी नहीं उतरा हुआ, बिल्कुल लाइट सा है, बिल्कुल लाइट सा, और ये कलर इसके अंदर कैमिसोल लगा हुआ है, इसके अंदर भी कैमिसोल है, वो बड़ी अच्छा स्टफ है जो इन्होंने शमीज टाइप अंदर लगाई, अंदर स्टिच हुई हुई है। 400 में ये शर्ट है, इतनी अच्छी कंडीशन है, और क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या चाहिए मुझे बताओ, इतनी अच्छी दोस्त तुम लोगों को कोई मिले ही, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली, तुम लोग मुझे ज़रूर फॉलो करना, हाइपर एक्टिव रहना, ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मैं और भी हेल्पफुल चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि यूट्यूब का बच्चा बड़ा ही डैश है, मेरी वीडियोज़ तुम लोगों के पेज पर नहीं दिखाएगा, जो इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनती है ना, ये दिखाएगा
उल्टी उल्टी हरकतें, किसी का नाम मैं मेंशन नहीं करती लेकिन ब्लॉग्स गंदे गंदे उल्टी उल्टी हरकतें उन्हीं के, ये वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं सोशल ऐप्स, सिर्फ उन्हीं उन वीडियोस को सबकी मोबाइल्स में दिखाते हैं। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर स्पेशल आना पड़ेगा अच्छी और बेस्ट और हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। इसका बाजू भी बहुत अच्छे बने हुए, प्यारे बने हुए, और ये पहन के ना कुछ इस तरह से लगती है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिप लगाती हूँ, आप लोग वो देख लेना। गला देखो इसका कितना प्रिटी बना हुआ, मतलब बैठा हुआ बहन है। 400 में ये कपड़ा नहीं आता, फिर दर्जन के पैसे, फिर दर्जन को स्टाइलिंग्स बताना, मतलब दर्जनों को भी अभी इतनी एडवांस लेवल इतना अच्छा आते हैं। नो डाउट हमारे पाकिस्तानी दर्जनें बहुत अच्छी हैं, बट हर स्टाइल का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, गले मतलब बड़ा अच्छा। ये कुर्ता स्टाइल है, ये भी बैगी स्टाइल है, तो ये पहना वाना बहुत अच्छा लगता है। पीछे ना इसकी फिटिंग भी बड़ी प्यारी प्लीट्स डली हुई हैं। ये कैसे लगी वीडियो मुझे बताना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को बखाने लगी हूँ, बखाने दिखाने लगी। ये वाला रेड शर्ट मुझे बहुत फेवरेट लगी है यार, ये इतनी प्यारी थी। इसके नीचे कैमिसोल पहना जाएगा, क्योंकि ये ना वैसे नहीं, फिर ना भी पहना जाए, इसका ये आगे से ओपन है, ये आगे से जो ओपन स्टाइल्स थे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अगेन बैगी स्टाइल में ये पहना हुआ ना इंसान परी लगता, पूरी परियों वाली फीलिंग आती है। इसके बाजू भी इस तरह से है, मतलब एक डिसेंट सी लुक आ रही होती है। आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं अगर पहन सकते हो, कॉलेज में आए तो कभी ज़िंदगी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो जहाँ जो लोगों को घर के कपड़े पहन के जाने की इजाज़त है या कोई जॉब वगैरह आप करते हो तो ईजिली ये कपड़े कैरी कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लाहौर रहते हो या कभी लाहौर विजिट करते हो या फिरोजपुर रोड से कभी भी गुजरते हो तो इस शॉप को एक दफ़ा ज़रूर विजिट कर लेना। और उनको ना मेरा नाम, वैसे उन्हें याद भी नहीं होना मैंने ना ये वीडियो बहुत पुरानी बनाई हुई है, छोटी ईद से पहले की, और मुझे अब जाके टाइम मिला कि मैं इसको ना ऐसे वीडियो बनाती बैठ के इन कपड़ों का। तो ज़ैनब नुमान नाम मेरा ज़रूर लेना कि हम एक यूट्यूबर की वीडियो देखकर आए हैं। तो वो डिस्काउंट भी नहीं देते, बड़े थोड़ा सा सख्त भाई हैं, बहुत गुस्से वाले भाई हैं, सीरियसली बहुत ही गुस्सा करते हैं, एक रुपया कम नहीं करते और चेंज भी नहीं करते ना। तो एक ही दफ़ा सोच समझ के आप लोग चीज़ें ढूंढ के, बहुत वैरायटी, बहुत ह्यूज वैरायटी, ओ अपने आप को मार लिया मैंने, ह्यूज वैरायटी मिल जाती। दो बड़े किस्म के इस तरह ब्रोचेस भी लगे हैं, प्यारे लग रहे हैं। ये भी ना मैं आपको यहाँ पे पहन के दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही थी। इसका गला बैंड देखो, फिर अगेन डिफरेंट सा है, और ये कितना प्यारा सा ऐसे, ये पहने हुए ना इनके पहने हुए लुक बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे आप लोग ना साथ साथ देखती जानी मेरी शौकियाँ, ये कलर भी मुझे इसके साथ भी ना वाइट ट्राउज़र अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हाँ इसके साथ वाइट ट्राउज़र अच्छा लगने वाला है। हो गई सारी शर्टें, हो गई अब बल्ले पूरी हो गई। एक शर्ट जी जानी ना लिया, प्यारी सी कंगी कर लो जानी, टाइम हो गया 12:42। बच्चों वाली माओ को इस तरह काम करना पड़ता है, इधर आ जाए, कंगी करूँ मैं आपकी, जानी आ जाए। लेकिन साथ साथ मुझे आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना होता है, और यूट्यूब पे हाइपर एक्टिव मैंने रहना स्टार्ट कर दिया, तो इसके लिए अलोट मेहनत दिमाग की मेरी दही हुई होती है, दही 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 दही, और मैं सिर्फ रात के टाइम 6 से 7 घंटे मुश्किल से मेरी नींद पूरी हो रही होती है। अच्छा, अब आप लोग ना शॉप की वीडियो देखें, मैं लोकेशन भी बताती हूँ आपको, उसके शॉप के अंदर जाएँ मेरे साथ, फिर बाद में आपने खुद जाना। और सिनान आपने नहीं बनाई वो मेरी वीडियो है ना, पर अभी नहीं था मेरे साथ, नहीं तो अक्सर मेरी वीडियोस मेरी सिनान शूट करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो कौन शूट करता था, तो मेरा ये वाला बेटा शूट करता। चलो जी वीडियो देख ले हम जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ना अब मार्केट जाना है इछरा बाज़ार, ठीक है, बिल्कुल मेन रोड पे ही रहना है। वो जो खाने वाली जगह आते हैं ना, वो एक दो सेंटर छोड़ के थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना, तो आपको ये हसन सेंटर इस तरह से ये लोकेशन नज़र आएगी। सॉरी, मैंने इस फॉर्मेट में ये बना दी। आपने बिल्कुल इसके सेंटर में जाओगे तो आपको सीढ़ियाँ स्टेयर्स नीचे जाती हुई दिखाई दे रही होंगी, और बाहर इस तरह से ना डम्मीज़ हैं, तो बस आपने ये सीढ़ियाँ उतर जानी हैं, और सामने पहले नंबर पर जो आपको शॉप मिलेगी ना, इस शॉप के अंदर जाना है। मैं पूरा आपको ऐसे सीढ़ियाँ उतार के लेके जा रही हूँ, बिल्कुल मेरे मेन फिरोज़पुर रोड पे, जो इछरे का मेन एंट्रेंस है ना, उससे आपने अगर तो इधर से आ रहे हो ना काने वाली साइड से, तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आगे जाना है, और अगर शादरे वाली साइड से आ रहे हो तो इछरे मेन एंट्रेंस के राइट साइड पे ही ना आपको ये मिलेगा सेंटर, ठीक है। नीचे उतर के आपने इस तरह शॉप में चले जाना है, और आपको काफ़ी वराइटीज़ यहाँ पर ना ओपन गाउंस बहुत प्यारे प्यारे थे। मैंने कोशिश किया कि थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने इस तरह बनाई है, वो यूट्यूब वाले फॉर्मेट में नहीं बनाई, तो आई होप आप लोगों को थोड़े अच्छे लग रहे होंगे। मतलब कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बाकी आपकी चॉइस है, आपको शॉर्ट शर्ट लेनी है, लॉन्ग मैक्सी लेनी है, अफोर्डेबल हैं, स्टिचेस अच्छी हुई हैं। अच्छा, इनका ना सैडली मैं कोई भी व्हाट्सअप नंबर नहीं लेकर आई, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोई ग्रुप शुरू बनाया हुआ है, वो कोई ऐसी बात तो कर रहे थे, अब ये बात ही काफ़ी पुरानी हो गई है। छोटी से भी पहले मैंने विजिट किया था, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, बस मुझे शीए वाली मैक्सी देखो कितनी अच्छी लग रही थी, ये पतली बच्चियों को ना अनमेरिड बच्चियों को बहुत अच्छी लगेगी। कंडीशन बिल्कुल अच्छी थी इसकी, ये ओपन गाउन था,
मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और सब कोई मतलब देखने में नहीं लगता कि ये अब लंडे के, ये स्मेल वाले, ये गंदे पुराने कपड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता, एकदम न्यू चीज़ें लगती हैं। तो मुझे तो ये शॉप बड़ी अच्छी लगी थी, मेरी काफ़ी हेल्प हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। इस तरह से इन्होंने सारी कलेक्शन इकट्ठी करके लटकाई हुई, आप अपने पास पसंद की निकाल निकाल के देख सकते हो। अच्छा, इसी दुकान के साथ ही ना अंदर पीछे उनके पास एक और शॉप थी, वहाँ पर बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस तरह कंजेस्टेड थोड़ा सा जगह है, लेकिन अच्छी है। वहाँ पर और भी इनकी ह्यूज वैरायटी थी और वहाँ पे स्पेशली यहाँ पे शॉर्ट शर्ट्स और बैगी लॉन्ग शर्ट्स की ह्यूज वाली वैरायटी थी। बाकी मैं तो शॉर्ट शर्ट्स पहनती नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ पहन भी लेती हैं, तो आप लोग वो भी यहाँ से ट्राई आउट कर सकते हो। कलरफुल लेटेस्ट अजान होगी। अच्छा जी, बच्चों ने बैठ शोर मचाया हुआ है, मैंने थोड़ा छोटा क्लिप लिया है कि मैं शॉप का थोड़ा थोड़ी चीज़ें आपको दिखा दूँ और यहाँ से आप लोग अपनी पसंद की देख सकते हो, बार्गेनिंग भी कर सकते हो। आप मेरी वीडियो का उन्हें जिक्र कर देना कि एक ज़ैनब बाजी ने वीडियो बनाई थी, आपकी शॉप विजिट की थी, उनको भी पता नहीं अब याद होगा कि नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर मैं विजिट करूंगी ना तो रिमाइंड नया देख लूंगी क्या स्टॉक आया है और कुछ। अच्छा जी, तो लड़कियों ये थी मेरी आज की वीडियो और पंखे का शोर आया होगा आज पूरी वीडियो में क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है। मेरे दराज से अभी तक मेरा कूलर आया नहीं, वो जो मिनी एसी कूलर है ना वो आ जाए तो मैं ये पंखा बंद कर दिया करूँगी ताकि थोड़ा सा सांस तो आए ना। मास्क लगा लेते हैं तो बिल्कुल ही सांस बंद हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा होगा और शॉप की लोकेशन आपको समझ आ गई होगी कि आपने किधर किधर जाना है और किधर बेसमेंट में उतरना और सीढ़ियाँ उतर के वो भाई की बस दुकान में थोड़ी गर्मी खा के तो कपड़े पसंद कर लेना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप लोग मुझे वैसे कमेंट करके बताना कि सब शर्ट सब शर्ट्स में से कौन सी शर्ट आपको अच्छी लगी थी। ओके, बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, मेरी लाइट बंद हो गई है। बाय गाइस, सिनान के बच्चे हंस रहे हो।